तानिया, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम आज कुछ ज्यादा ही उदास उदास लग रही हो। नहीं दानियाल, मैं तो आज बल्कि बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। ये जगह बहुत ही पुरसकून और खूबसूरत है। स्वीटहार्ट, आप तो यहाँ पहले आई हुई हैं, आपको ये बात मालूम नहीं थी? आई डोंट नो, पर मैं सब कुछ कुछ भूल सी गई हूँ, मगर अब काफी सारी बातें याद आ रही हैं मुझे, जैसे कि ये जगह, ये दरख्त, ये रास्ते। अच्छा, तुम्हारा ये कहना है कि तुम्हें अपने बचपन की सब बातें याद हैं सिवाय इस जगह पर गुजरे हुए वक्त के? जब मैं यहाँ पहली बार आई थी ना, तो मैं इस बेंच पर आलती पालती मारकर बैठती थी और सोचती थी कि मैं एक मलिका हूँ और एक बहुत बड़े तख्त पर बैठी हूँ। अब देखती हूँ तो ये बेंच इतना छोटा और मामूली सा लगता है। पहले ये हट भी इतना बड़ा लगता था। अगर मैं वापस ना आती तो शायद मेरी यादों में ये चीजें उतनी बड़ी रह जाती। ये तो एक बहुत नॉर्मल सी बात है, पता है जब हम छोटे होते हैं ना तो सब चीजें बड़ी लगने लगती हैं, और फिर हम बड़े हो जाते हैं तो वही चीजें जो कि उसी साइज की होती हैं छोटी लगने लग जाती हैं। तुम हर चीज को कितना आसान और सिंपल कर देते हो, पता नहीं कैसे। आई थिंक इट्स वन ऑफ द रीजंस आई लव यू। सिंपल मैन यार। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे 3-3 महीने रहते थे आके, बोर नहीं हो जाते थे? तुम उस्मान भाई से नहीं मिले ना? भैया साथ में होते थे तो बोरियत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। कभी अम्मी को तंग करते थे, कभी अबू को, सारा सारा दिन लेके मुझे पास के बाजार में फिरते थे, कभी लंबी लंबी वॉक्स पर जाते थे। हाँ भाई, तुम्हारा भाई है तो जबरदस्त इंसान ही होगा ना, अब मैं उससे मिलने के लिए अमेरिका तो नहीं जा सकता। You know what, Daniel? It's a good thing I came back. यहाँ आकर लग रहा है जैसे ये जगह उतनी बुरी नहीं है जितनी कि मुझे याद थी। दानियाल, क्या हुआ तानिया? तानिया, ठीक हो? I'm fine. बहुत बुरा ख्वाब देखा है मैंने। It's really, really bad.
अच्छा भाई इट्स ओके, इट वॉज ओनली अ नाइटमेयर। दानियाल, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं यहाँ क्यों आना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मैंने जब भी इस जगह के बारे में सोचा, मुझे अनजाने से खौफ ने घेर लिया। हालांकि ये जगह तो बहुत ही पुरसकून और खूबसूरत है। तानिया, आई थिंक यू नीड टू रेस्ट। देखो मैं यहीं पर हूँ, ठीक है? तुम कुछ आराम कर लो, हम सुबह इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? इट्स अमेजिंग कि किसी जगह पर वापस आकर कैसे हर चीज याद आने लगती है। मैं और भैया इसी रास्ते पे वॉक किया करते थे। अच्छा भाई, ये वॉक शॉक वाला काम मुझसे नहीं होता, मैं तो थक गया हूं। दानियाल, तुम बहुत सुस्त हो। सारा दिन टीवी लाउंज में टीवी देखने के अलावा दुनिया में और भी बहुत सारे काम है जो तुम कर सकते हो। सॉरी मैडम, गलती हो गई, माफ कर दो। दानियाल, ये तो वही दरख्त है और उसी जगह पर जहाँ पहले थे। हाँ तो भाई दरख्त है ना, इन्हें तुम्हारी तरह वॉक करने का शौक तो नहीं कि जहाँ दिल करेगा वहाँ उठ के चले जाएंगे। मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब है कि ये दरख्त उसी जगह पर है जहाँ मैंने सोचा था। ये तुम्हें एकदम इन दरख्तों से इतना लगाव, इतनी मोहब्बत क्यों हो गई? पता नहीं, पर इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे 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 हाँ, मैं, भैया और आपी। आपी? ये आपी कौन है? याद नहीं आ रहा, बिल्कुल याद नहीं आ रहा। ये चीजों को याद रखना भी कितना अजीब खेल होता है ना।
थैंक यू आपी। मेरी गुड़िया बहुत प्यारी है, मेरी गुड़िया। थैंक यू आपी, थैंक यू। तानिया क्या हुआ, क्या बात कर रही हो? तानियाल मुझे याद आ गया, मुझे बिल्कुल याद आ गया, वो गुड़िया मुझे आपी ने दी थी, बहुत प्यारी गुड़िया थी। आपी? कौन सी आपी, किस गुड़िया की बात कर रही हो तुम? आपी भैया की दोस्त, हम सब इकट्ठे वॉक किया करते थे, आपी मुझसे बहुत प्यार करती थी, उन्होंने दी थी मुझे वो गुड़िया। काम डाउन तानिया, काम डाउन। अच्छा हुआ कि तुम्हें याद आ गया। तुम्हें पता है दानियाल, मेरे पास बहुत सारे खिलौने थे, मैं जो भी मांगती थी मुझे अम्मी अबू ले देते थे, पर जब आपी ने मुझे वो गुड़िया दी थी ना, मुझे सब खिलौने भूल गए थे। शी वॉज माई फेवरेट, मैं घंटों अपनी गुड़िया से बातें किया करती थी। फिर कहाँ गई तुम्हारी वो गुड़िया? याद नहीं, ठीक से याद नहीं है, पर ये याद है कि वो किस तरह की थी। क्या बहुत प्यारी थी तुम्हारी गुड़िया? हाँ दानियाल, बहुत प्यारी थी। तुम्हारी तरह प्यारी? नहीं दानियाल, मुझसे भी ज्यादा प्यारी थी, बिल्कुल आप ही की तरह प्यारी थी। परेशान ना हो, मेरे पास आके बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब बताओ क्या हुआ था? ठीक तरह से याद नहीं है मुझे, भैया ने उस दिन मुझे बहुत डांटा था, हालांकि मैं लाडली थी उनकी, शायद मैं आप ही से मिलने की जिद कर रही थी। 2 दिन हो गए थे, ठीक से याद नहीं है, शायद 3 दिन हो गए थे, हम लोग वॉक पर भी नहीं गए थे। हाँ जी याद आया, भैया ने मेरी गुड़िया मुझसे छीन ली थी, मेरी प्यारी गुड़िया, कहा कि अब हम आप ही के बारे में कभी बात नहीं करेंगे, कहा कि अब आप ही कभी वापस नहीं आएंगी। भैया ने मेरी गुड़िया मुझसे छीन ली। So sorry तानिया, I had no idea। देखो तुम अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालो, मेरे ख्याल से तुम्हें अब सो जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए, यू शुड रेस्ट। तुम फिक्र ना करो, मैं यहीं पर हूँ, ठीक है ना? अच्छा चलो अब, शाबाश, आ जाओ।
दानियाल, क्या तबीयत ठीक है तुम्हारी? दानियाल, तुम्हारे ख्याल में यह कोई छोटे जानवर है? मेरा मतलब है कोई बिल्ली या कोई चूहे वगैरह? तानिया यार, दरवाजा अंदर से बंद है, बिल्ली चूहे कहां से आएंगे? नहीं, वो मुझे लगा ऐसे जैसे मेरे ऊपर कोई चीज चल रही है, इसीलिए तो मेरी आंख खुली है। तानिया, चूहे वगैरह बिस्तर पर नहीं चढ़ते यार। दानियाल, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरी कल भी इसी तरह आंख खुली थी, मुझे खिड़की के बाहर किसी चीज की आवाज आई थी। भाई, अगर खिड़की के बाहर से आवाज आई है तो कोई बिल्ली या कोई छोटा जानवर होगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे साफ लगा है मेरे ऊपर कोई चीज चल रही है, ये मेरा वहम नहीं है। अच्छा यार, मैं चेक कर देता हूँ।